ज्ञान के मार्ग में पीछा नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल अनमोल जानकारी के साथ और पाइए अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक जानकारियाँ। दोस्तों, 26 अगस्त 2024 जन्माष्टमी के दिन तुलसी की जड़ की मिट्टी से इस चमत्कारी और 100% सटीक और असरदार उपाय को आप जरूर करें और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, कई हजार वर्षों बाद 26 अगस्त 2024 को बहुत ही दुर्लभ और दिव्य संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन जन्माष्टमी के पावन पर्व के साथ साथ राज योग, अमृत सिद्धि योग और साथ ही धन लक्ष्मी जैसे कई योग बन रहे हैं और इस दिन भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक प्रसन्न होने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी भगवान कृष्ण से इस दिन जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे वह मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। वहीं दोस्तों, कृष्णा भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस जन्माष्टमी पर तुलसी की या की मिट्टी से जुड़ा यह उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि आपकी किस्मत बदल देगा और आपको बना देगा मालामाल और धनवान। साथ ही इस एकमात्र उपाय से आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखना ना भूले। दोस्तों, जन्माष्टमी का पावन पर्व भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण जी का जन्म भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और उनके जन्म के दिन को आज भी काफी धूमधाम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की आधी रात यानी 12 बजे पूजा की जाती है और घंटे घड़ियाल बजाकर उनके जन्म की खुशियां बांटी जाती है। दोस्तों, जन्माष्टमी का पर्व मथुरा और वृंदावन में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर मंदिरों और घरों में लोग बाल गोपाल के जन्म उत्सव का आयोजन भी करते हैं और बाल गोपाल के लिए पालकी भी सजाते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु जी ने धर्म की स्थापना करने के लिए श्री कृष्ण जी के रूप में जन्म लिया था। इस दिन व्रत धारण कर श्री कृष्ण जी का स्मरण करना अत्यंत ही फलदायी होता है। शास्त्रों में जन्माष्टमी के व्रत को व्रत का राजा कहा गया है। दोस्तों, भविष्य पुराण में इस व्रत के संदर्भ में उल्लेख है कि जिस घर में यह व्रत किया जाता है वहां अकाल मृत्यु गर्भपात दुर्भाग्य तथा कलह नहीं होता है। जो एक बार भी इस व्रत को करता है वह संसार के सभी सुखों को भोग कर विष्णु लोक में निवास करता है। दोस्तों, इस दिन लोग पूरा दिन व्रत उपवास रखते हैं। और आपको बता दें कि जन्माष्टमी का व्रत अष्टमी तिथि से शुरू होता है और इस व्रत का पारण नवमी तिथि में ही करना चाहिए, तभी इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। इसलिए जो लोग इस व्रत को रखें उन्हें सप्तमी की रात में हल्का एवं सात्विक भोजन करना चाहिए, साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों, जन्माष्टमी का व्रत कुछ लोग निर्जला रहा कर भी रखते हैं तो वही कुछ लोग फलाहार करके भी इस व्रत को करते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नानादि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं और अपने हाथ में थोड़ा सा जल पुष्प और अक्षत ले लें और जन्माष्टमी के व्रत का संकल्प करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी की विधिवत पूजा करें। और दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा निषिद्ध काल यानी आधी रात में करने की परंपरा रही है और कई घरों में रात 12 बजे भगवान कृष्ण जी का जन्म भी किया जाता है। तो जो लोग कृष्ण जी का जन्म रात में करते हैं वे नाल छेदन भी करते हैं और जो लोग नाल छेदन करना चाहते हैं तो उनके लिए बता देते हैं कि 12 बजने से कुछ घंटे पहले ही एक पत्ते वाला खीरा ले ले और उसको थोड़ा सा काटकर उसमें कृष्ण जी को बैठा दे। फिर जब 12 बजे तो भगवान को उस खीरे से बाहर निकालकर एक सिक्के की मदद से खीरे को काट दे, इसे नाल छेदन कहा जाता है। इसके बाद उन्हें सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर उन्हें पंचामृत दूध दही घी शहद और शक कर से स्नान कराएं, तत्पश्चात गंगाजल से भी स्नान कराएं। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान करने के बाद उन्हें साफ कपड़े से पोंछ कर उन्हें नए और सुंदर चमकीले वस्त्र धारण कराएं और उनका श्रृंगार करें। इसके बाद उन्हें झूले या सिंहासन में विराजमान करें। ध्यान रहे, इस दौरान आप कृष्ण नाम का जाप करते रहे या राधे राधे बोलते रहे या श्री कृष्ण जी के किसी भी मंत्र का जाप करते रहे। अब आप कृष्ण जी की विधिवत पूजा करें, उन्हें चंदन का तिलक लगाएं, फूल माला अर्पित करें और उन्हें भोग लगाएं। भोग में आप माखन मिश्री पंचामृत नारियल से बनी मिठाई या धनिया की पंजीरी का भोग लगाए हैं। ध्यान रहे, उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डालें। इसके बाद धूप दीप जलाकर भगवान श्री कृष्ण जी की आरती जरूर करें और कृष्ण जी को इस दिन झूला जरूर झुलाए। दोस्तों, जन्माष्टमी की रात को लोग रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन एवं शोभ आदि भी गाते हैं, इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि कुछ लोग रात्रि की पूजा के बाद ही अपने व्रत का पारण कर लेते हैं और कुछ लोग अगले दिन सूर्योदय के बाद अपने व्रत का पारण करते हैं। ध्यान रहे कि आप प्रसाद खाकर ही अपने व्रत का पारण करें। दोस्तों, जन्माष्टमी का व्रत लोग अलग अलग तरह से रखते हैं। कुछ लोग इन दिन निर्जला रखते हैं यानी दिन में पानी नहीं पी है, वहीं कुछ लोग दिन भर उपवास रखकर रात को फलाहार करते हैं, जबकि कुछ लोग दिन में दो बार फलाहार करते हैं। दोस्तों, इस दिन व्रत में आप रसीले फल का सेवन कर सकते हैं
यह आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होने देंगे। तरबूज, खरबूजा, ककड़ी जैसे अधिक पानी वाले फल ले सकते हैं। अमरूद, केला और सेब भी खा सकते हैं। और आप दही की लस्सी व्रत की शुरुआत से पहले पी सकते हैं। लस्सी पीने से आपको ज्यादा प्यास नहीं लगेगी। दोस्तों, जन्माष्टमी पर रात को व्रत खोलते वक्त लोग कूटू के आटे के व्यंजन और साबूदाने की खिचड़ी खाते हैं। यह दोनों चीजें हल्की होती है और इससे पेट भी भर जाता है। पर यह ध्यान रखें कि व्रत तोड़ते वक्त आपको बहुत ज्यादा भारी खाना नहीं खाना चाहिए, इससे गैस बन सकती है। चलिए अब जानते हैं कि साल 2024 में जन्माष्टमी का पर्व कब मनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि जन्माष्टमी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि इस बार 26 अगस्त को पा रही है और यह कृष्ण भगवान की 5251वीं जन्माष्टमी होगी। दोस्तों, जन्माष्टमी के लिए इस बार शुभ मुहूर्त 44 मिनट का है, जो 12:04 तक रहेगा। ऐसे में इस दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। ऐसे में इस दुर्लभ संयोग में जन्माष्टमी की पूजा करने से 3 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलेगी। वहीं अगर किसी की आत्मा प्रेत योनि में भटक रही है तो उनके नाम से की गई पूजा उनकी आत्मा को मुक्ति प्रदान करेगी। इस दिन का व्रत निसंतान को भी संतान का सुख देने वाला होता है। ऐसे में इस बार जन्माष्टमी का व्रत करना ना भूले। साथ ही जो इस व्रत को शुरू करना चाहते हैं तो इस बार उनके लिए यह सबसे अच्छा मौका है भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने का। ऐसे में वह भी इस बार व्रत को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं तुसल की झर की मिट्टी के चमत्कारी उपाय। दोस्तों, तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि तुलसी देवी है। सनातन धर्म में तुलसी गाय और पवित्र नदी को माँ का दर्जा दिया जाता है। जैसे कि गंगा माँ कहा जाता है, गाय को गौ माता कहा जाता है, उसी तरह तुलसी को तुलसी मैया कहा जाता है। तुलसी के हर पत्ते में साक्षात भगवान विष्णु का वास समझा जाता है। इस धरा पर जो भी देवता मानव रूप में वितरित हुए उनमें से हर एक ने तुलसी की पूजा जरूर की है। जिस घर में इसका वास होता है वहाँ आध्यात्मिक उन्नति के साथ सुख शांति और आर्थिक समृद्धि स्वतः ही आती है। प्रतिदिन सुबह तुलसी के दर्शन करने मात्र से आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन अच्छे से गुजरता है। जब भी आप सोकर सुबह उठे तब आप अपने चेहरे को देखने के बजाय तुलसी के पौधे को जरूर देख ले। सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से हर पाप नष्ट हो जाता है। तुलसी के पौधे में लगी मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास समझा जाता है। तुलसी की झर में माता लक्ष्मी का वास समझा जाता है। इसके हर हिस्से में भगवान कृष्ण का वास समझा जाता है। दोस्तों, मंजरी में बजरंगबली का भाग समझा जाता है और भगवान विष्णु कृष्ण प्रभु श्री राम और हनुमान जी को बिना तुलसी पत्ते के भोग नहीं चढ़ाया जाता है और ऐसा भोग वे स्वीकार नहीं करते जिसमें तुलसी ना हो। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो उस घर में कभी भी किसी भी तरह के रोग नहीं आते और अगर इसे सही दिशा में रखा जाए और नित्य इसका पूजन किया जाए तो उस घर में वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता। और यह भी समझा जाता है कि घर में किसी भी तरह की बड़ी अनहोनी होने से पहले तुलसी का पौधा सोख लेता है, अर्थात तुलसी का पौधा उस बला को अपने ऊपर लेता है और आपको माता की तरह सुरक्षा प्रदान करता है। खुद बलिदान देकर हम सभी की रक्षा करता है, इसीलिए हमें अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का पौधे हमें शुद्ध ऑक्सीजन देने के साथ साथ अनेक तरह के चमत्कारी लाभ भी प्रदान करता है, जिसके बारे में आज हम बताएंगे। दोस्तों, इस धरती के पौधे की वनस्पतियों से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हुई है। इनको पूजनीय समझा गया है और इनमें देवी देवताओं का वास समझा गया है। दोस्तों, तुलसी के पौधे की पद्मा पुराण, ब्रह्मा वे भरत पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण में तुलसी के पौधे की कई विशेषताएं बताई गई है। प्रचलित कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जो अमृत धरती पर छलका उसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मदेव ने उसे भगवान विष्णु को सौंपा दिया था। दोस्तों, तुलसी हर हिंदू के घर में आंगन में जरूर होती है। आप इसे रोज देखते होंगे, परंतु हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तुलसी से मिलने वाले इन फायदों के बारे में आप शायद ही जानते होंगे। इसके ऐसे जबरदस्त कारगर उपाय हम आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं जो शायद ही किसी से आपने सुने होंगे और तुलसी के इन उपाय को करने से 2 घंटे आपकी किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों, आपकी हर समस्या का तोड़ हर मंत्र तंत्र की गांठ तुलसी के माध्यम से निकाल सकते हैं। फिर वह धन की कमी हो, नजर बाधा हो, शादी में आ रहे अड़चने, ग्रह दोष हो, कोई बीमारी हो, हर मर्ज की दवा है तुलसी। दोस्तों, माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 1 महीने तक बजरंग बली को तुलसी के पत्ते लड्डू के साथ साथ या फिर किसी मिष्ठान के साथ छड़ा दे उसकी कोई भी मनोकामना हो जरूर पूर्ण हो जाती है। तुलसी की मंजरी उतारने से चल रही समस्याएं तत्काल दूर हो जाती है। कई लोग कर्जे के बोझ से परेशान हो जाते हैं, कुछ लोगों के बच्चों की शादी होने में अड़चने आती है, तो तुलसी की मंजरी उतारने से उनके जीवन में चल रही सभी समस्याएं तुरंत ही दूर हो जाती है। जिस व्यक्ति के जीवन में समस्या है उसे ही मंजूरी उतारने के लिए बोले तुलसी के पौधे में अनेक चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। इसकी झर की थोड़ी सी मिट्टी, तुलसी के गिरे हुए सूखे पत्ते और थोड़ी सी मंजरी
इन तीनों को नहाने के पानी में डालकर आप स्नान करते हैं तो आपके जीवन में लगे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसे दोष रहित व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ने में कोई परेशानी आ रही है, कठिनाइयां आ रही है, लगता है कि सब कुछ रुक सा गया है, तो इन्हें नहाने के पानी में ढालक नहाए तुलसी की झर की मिट्टी बहुत प्रभावी होती है। नहाने के पानी में केवल इस मिट्टी को ढालक स्नान करेंगे तब भी आपके जीवन से बहुत सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। आपके जीवन में बरकत आएगी। आपको आगे बढ़ने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, तुलसी की झर की मिट्टी का तिलक लगाने से हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। इससे आपकी सम्मोहन शक्ति बढ़ती है। लोग मोहित हो जाते हैं, आपसे प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा तिलक लगाने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। इस तरह की जानकारी आप हजारों रुपए खर्च करने से भी नहीं ले पाएंगे। तो जो हम वीडियो में आपको बता रहे हैं उसे ध्यान से सुनना और पूरा वीडियो जरूर देखना। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक साबित होता है। आगे इसके और भी लाभ बताएंगे जो आपको लाखों करोड़ों का फायदा पहुँचा सकते हैं। दोस्तों, हर रोज तुलसी का पत्ता हमें खाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके पूरे जीवन भर सर दी, खांसी, जुकाम, बुखार ऐसी बीमारियां नहीं होती, परंतु इसे निरंतर करते रहे, बीच में छोड़े नहीं। जिन लोगों को मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम हो जाता है, बुखार आ जाता है, मौसम बदलते ही तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है, ऐसे लोगों को और कोई उपचार लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो बस हर रोज एक तुलसी का पत्ता खाना शुरू कर दे। ध्यान रखे, रविवार को तुलसी के पत्ते कभी भी तोड़े नहीं जाते, तो एक दिन पहले शनिवार के दिन दो पत्ते तोड़ के रखें ताकि रविवार दिन आपको पक्का तोड़ना ना पड़े। दोस्तों, वैसे अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, और बिना स्नान किए हुए तुलसी को तोड़कर जो मानव पूजा करता है वह अपराधी होता है। उसकी की हुई पूजा निष्फल हो जाती है। इसका और एक चमत्कारी फायदा बताते हैं। अगर आप निर्धारित संख्या में 6 महीने तक तुलसी के पत्ते खाते हैं, निर्धारित संख्या मतलब अगर आप 4 की संख्या में खा रहे हैं तो रोज 4 पत्ते ही खाने हैं, और अगर आप 5 की संख्या में खा रहे हैं तो आपको रोज 5 की संख्या में ही खाने हैं, और दिन में एक बार सुबह स्नान करने के बाद, भगवान का पूजन करने के बाद, और इस पूरे काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। देखना, आपको गरिमा, महिमा, लघिमा सहित 8 तरह की सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगे। हमने पौराणिक कथाओं में सुना है कि हनुमान जी हवा में उड़कर कहीं भी आ जा सकते थे। द्रोणागिरी पर्वत को अपने हाथों पर उठा लाए। यह सब अष्ट सिद्धियों के कारण ही संभव हुआ था, जो उन्हें प्राप्त थी। किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाना इन सिद्धियों की मदद से हो सकता है। संसार में अनेक पुण्य आत्मा है जिन्हें कई तरह की सिद्धियां प्राप्त है। तो अगर आप निर्धारित संख्या में 6 महीने तक तुलसी दल खाते हैं तो आपको इन अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होगी, जिससे व्यक्ति असंभव कार्य को संभव कर सकता है। जरा सोचिए, इस तरह के विशेष प्रयोगों के द्वारा आप अपनी जिंदगी किस तरह बदल के रख सकते हैं। हम इन्हें इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका जीवन अत्यंत सुख में हो जाए। तो दोस्तों, तुलसी के पत्ते खाना शुरू कर दे, इससे शरीर रोगम रहता है। जो लोग रोगों से मुक्त रहना चाहते हैं वे तुलसी के पत्तों का रोजाना नियमित सेवन करें। चलिए अब जानते हैं तुलसी के और कुछ विशेष फायदे। दोस्तों, जिन लोगों पर बाधाएं, नकारात्मक शक्ति आदि का प्रभाव है, नजर दोष लग गया है, किसी के हाथ बद्दुआ लगी है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरों से जलते हैं, उनकी नकारात्मक तरंगों के कारण नकारात्मक ऊर्जा आपको घेर लेती है। अगर आप चाहते हैं कि भूत, प्रेत, बाधा, नजर दोष, किसी की हाय बद कभी भी आप होना लगे, तो आपको तुलसी के पौधे की एक सुखी झर लेनी है। उसे चांदी के ताबीज में रखकर लाल रंग के धागे में डालकर आपको गले में पहनना है। कभी भी आपको भूत, प्रेत, बाधा, नजर दोष नहीं लगेगा। जो लोग भूत, प्रेत, बाधा से परेशान, ऐसे व्यक्ति तुलसी की मिट्टी नहाने के पानी में डालकर स्नान करना शुरू करे, प्रेत बाधा आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। जिन लोगों पर भूत, प्रेत, बाधा का असर हुआ है, ऐसे व्यक्ति एक काम करे, तुलसी की झर की मिट्टी घर में लेकर रख, फिर रात में सोने से पहले इसे अपने माथे पर लगाए, सारा दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा। नित्य ऐसा करने से आपको कभी भी भूत, प्रेत, बाधा नहीं सताएगी। अगर आप दुर्भाग्य से घिरे हैं, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, गौर निराशा छा गई, ऐह गौर संकट आते रहते हैं, आपके अपने भी पराये हो गए हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, तो आप तुलसी के पत्ते की माला बनाकर बजरंग बली और भगवान श्री राम की मूर्ति या तस्वीर पर 21 दिन तक लगातार चढ़ा दे। बड़े से बड़े संकट, परेशानियां, कर्जे का बोझ तक दूर हो जाएगा। आपको एक हफ्ते में ही इसके परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे और एक महीने में पूरे तरीके से आप संकट मुक्त हो जाएंगे। इसमें से कोई भी उपाय आप करें और पूरे विश्वास और सकारात्मक मनोबल के साथ करें, यह कोई हवाहवाई बात नहीं है, बिल्कुल कारगर उपाय है। जब आप तुलसी के पत्ते हनुमान जी या प्रभु श्री राम को चढ़ाते हैं तब हनुमान जी आपके कार्यों को सफल करने के लिए विवश हो जाते हैं। बेटी की शादी में दिक्कत आ रही है
या शादी बार बार टूट रही है तो आदत बना ले कि प्रतिदिन नियमित रूप से तुलसी को जल चढ़ाएं। इसके साथ ही जल अर्पित करने के बाद तुलसी के सामने हाथ जोड़कर अपनी इच्छा पूरी होने की प्रार्थना करें तो जल्द ही उसके विवाह के योग बनेंगे। व्यापार में नुकसान से बचने के लिए हर शुक्रवार को तुलसी में कच्चा दूध अर्पित करें। मिठाई का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद बचा हुआ प्रसाद किसी सुहागन को दान कर दे। ऐसा करने से बिजनेस में लाभ के योग बनने लगेंगे। दोस्तों आपके घर में जो तुलसी पौधा लगा है, एक बार देखना कि आपने उसे किस दिशा में रखा है। तुलसी से शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए उसे उचित दिशा में रखना आवश्यक होता है। तो तुलसी के पौधे को अगर आप उत्तर की तरफ रखते हैं तो इससे धन की प्राप्ति होती है। इससे आपके घर में धन निरंतर आता रहेगा, बशर्ते आप उसकी अच्छे से देखभाल करें, नियमित पूजन करें। तुलसी का पौधा अगर आप पश्चिम दिशा में रखते हैं तो घर में सुख शांति और वैभव का वास होता है। अगर पूर्व की तरफ रखते हैं तो निरोग माया प्राप्त होती है और इससे शत्रु नाश हो जाता है। हर शत्रु का मतलब कि आपके घर में दुख तकलीफ परेशानी, ऐसे शत्रु जो आने वाले होंगे उन्हें तुलसी मैया नष्ट कर देती है। परंतु अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ तुलसी के पौधे को रखते हैं तो इससे संपूर्ण घर बर्बाद हो जाता है। आपने जरूर देखा होगा कुछ लोगों के घर में तुलसी का पौधा लगा रहता है, परंतु ऐसे व्यक्ति दरिद्री रहते हैं। दरिद्री होने का एक कारण यह भी हो सकता है कि वह तुलसी के पौधों को दक्षिणी दिशा में रखा होना। तो तुलसी को रखने में दिशा का खास रूप से ध्यान जरूर रखना चाहिए। फिर देखना तुलसी के शुभ प्रभाव आपको कहां से कहां पहुंचा देते हैं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि तुलसी के पौधे को पर्याप्त धूप लगे। जहां भी तुलसी का पौधा रखा जाता है वहां के आसपास हमेशा साफ सफाई होनी चाहिए। दोस्तों इसी के साथ तुलसी से जुड़े कुछ चमत्कारी उपाय जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार जरूर करें। तुलसी की पत्तियां जब सक जाए तो आप उन पत्तियों को अपने नहाने के पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। नहाने के पानी में तुलसी ढालने से शरीर से नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता। साथ ही आप अगर भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं तो उसमें आप तुलसी के सूखे पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए लाल रंग के कपड़े में तुलसी की सूखी पत्तियों को बांधकर उस स्थान पर रख दे जहाँ आप अपना धन रखते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं से जूझना नहीं पड़ता है, व्यक्ति की आर्थिक उन्नति होती है। दोस्तों आइए अब जानते हैं जन्माष्टमी की व्रत कथा। दोस्तों स्कंद पुराण के मुताबिक याति वंश के राजा उग्रसेन का राज चलता था। उग्रसेन का सबसे बड़ा पुत्र कंस था जिसकी चचेरी बहन देवकी थी। कंस अपने ही पिता को जेल में ढाल कर स्वयं राज करने लगा। वहीं दूसरी ओर कश्यप ऋषि का जन्म राजा शूरसेन के पुत्र के रूप में यानी वासुदेव का जन्म हुआ। आगे चलकर वासुदेव का ब्याह देवकी से संपन्न हुआ। देवकी को विदा करने के दौरान एक आकाशवाणी वाणी होती है, हे कंस तू आज जिस बहन को इतने प्यार से विदा कर रहा है कल उसी का आठवां पुत्र तुम्हारे मौत का कारण बनेगा। ऐसा सुनते ही कंस देवकी को मारने के लिए हावी हो गया, पर सैनिकों और वासुदेव के वचन ने ऐसा होने से बचा लिया। वासुदेव सत्यवादी थे, इन्होंने कंस को वचन दिया कि वह अपना आठवां पुत्र सौंप देंगे। वासुदेव जी की बात मानते हुए कंस ने उन दोनों को बंदी बनाने का निर्णय लिया और उनके पास पहरेदार लगा दिए। इसके बाद कंस ने देवकी के सारे संतानों को मारने का प्रण कर लिया। निश्चय अनुसार देवकी के सातों संतान कंस द्वारा मारे गए। इसके बाद देवकी के आठवें पुत्र का जन्म हुआ। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र के दौरान मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। बालक के जन्म लेते ही जेल की कोठरी प्रकाशम हो गई। साथ ही एक आकाशवाणी सुनाई दी कि तुम बालक को गोकुल में रह रहे नंद बाबा के यहाँ छोड़ आओ, वहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे तुम यहाँ ले आओ। ऐसा सुनते ही वासुदेव की हथकड़ियाँ खुल गई। वे तुरंत एक टोकरी में श्री कृष्ण को रखकर इसे माथे पर लादे गोकुल की ओर निकल पड़े। रास्ते में यमुना नदी बालकृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए उफान पर आ गई। फिर चरण स्पर्श करते ही वह पुनः शांत पड़ गई। इस प्रकार वासुदेव ने अपने पुत्र को यशोदा मैया के बगल में सुलाकर वहां से कन्या लेकर वापस कारागार लौट आए। जेल की दरवाजे अपने आप बंद हो गई, उनके हाथों में फिर से हथकड़ी लग गई। सारे पहरेदार भी उठ गए और कन्या के रोने की आवाजें आने लगी। सूचना मिलते ही कंस ने कारागार से कन्या को लाया और उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वह आकाश में उड़ गई और बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा, तुझे मारने वाला अब पैदा हो चुका है। इसके बाद कंस ने कृष्ण का पता लगाकर उसे मारने का खूब प्रयास किया। कई दैत्य राक्षस भेजे लेकिन कृष्ण को कोई मार ना सका। अंतः श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और उग्रसेन को पुनः राजा बना दिया। इस प्रकार कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा पूरी हुई। ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन कहानी को पढ़ने या सुनने से वृत्ति के सारे पाप धुल जाते हैं, जीवन के हर समस्याओं का समाधान मिलता है, साथ ही भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं जन्माष्टमी के दिन कौन से उपाय करने से आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा। सबसे पहला उपाय आपके अटके कार्यों में गति लाएगा। दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान व ध्यान आदि करने के बाद घर के बाल गोपाल को नई पोशाक पहनाए। भोग
लगाएं और गोपी चंदन से श्रृंगार करें। उसके बाद पास के राधा कृष्ण मंदिर में जाकर वैजयंती फूलों की माला अर्पित करें। अगर वैजयंती फूल ना मिले तो पीले फूलों की माला भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिलेगा और अटके कार्यों में गति आएगी। दूसरा उपाय, और इस उपाय से आपका भाग्य मजबूत होगा। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल को केसर मेवा मिश्री साबूदाने या खी खीर का तुलसी दल डालकर भोग लगाएं, लेकिन ध्यान रखें कि खीर में चीनी की जगह मिश्री की ढली डाले। साथ ही सफेद मिठाई भी अर्पित करें। ऐसा करने से कान्हा की कृपा मिलती है और भाग्य भी मजबूत होता है। तीसरा उपाय से आपके घर में